कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहा करता था। कालू कौवा नशा करता था और सुंदरी को पसंद भी नहीं करता था। कालू कौवा गोरी कवि को पसंद करता था। कालू, आखिर कब तक हम यूं ही चुप चुप कर चोरों की तरह मिलते रहेंगे? तुम अपनी पत्नी सुंदरी कवि को डिवोर्स क्यों नहीं देते कालू? नहीं गोरी, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। मेरी सारी जायदाद उसी सुंदरी के नाम पर है। अगर मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी और मैं भीख मंगा बन जाऊंगा गोरी। इसी वजह से मैं उस सुंदरी को झेल रहा हूँ। क्यों ना उस सुंदरी को मारकर सारी जायदाद के पेपर्स पर उसका अंगूठे का निशान लेकर हम उसे कहीं दफना कर बैठ जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है गोरी। अगर किसी को पता चल गया तो हमें फांसी हो सकती है। हमें सोच समझ कर प्लान बनाना होगा, तब जाकर हम सुंदरी को मार सकते हैं। सही वक्त आने का इंतजार करो गोरी, इंतजार का फल अच्छा होता है। मैं सुंदरी को मारकर तुमसे शादी कर लूँगा और हम दोनों आराम से हमारी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है कालू, मैं तुम्हारे लिए मरते दम तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मरने का नाम मत लो गोरी, हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, अगर देर हो गई तो सुंदरी सीआईडी बन जाती है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने घर वापस आ जाता है। कालू जी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? बस मेरा दोस्त मिल गया था, उसी से बातें करते करते वक्त गुजर गया। क्या आपके दोस्त भी आप ही की तरह फालतू बैठे रहते हैं? क्या मतलब है सुंदरी तुम्हारे बात का? तुम मुझे फालतू समझती हो? फालतू ना कहूँ तो क्या कहूँ कालू जी आपको? आप कुछ काम तो करते नहीं, आवारा जंगल में घूमते रहते हो। कुछ काम धाम कीजिए कालू जी, वरना हम रस्ते पर आ जाएंगे। हमने तो हमारे खेत भी बेच डाले, सिर्फ एक घर और अलमारी में कुछ पैसे बचे हैं। अगर वो भी खत्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा कालू जी। ये मेरे पिताजी की जायदाद है जो तुमने जबरदस्ती अपने नाम कर लिया है। अगर हम रस्ते पर आ गए तो आने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है। कालू कौवा नशा करके सुंदरी के पास आता है और सुंदरी से कहता है, अरे ओ सुंदरी, तू मुझे निकम्मा समझती है? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। जो मैं तुझे कहूँगा वो तुझे आज करना होगा। ले पेपर और लगा अपना अंगूठा इस पेपर पर। आपने शराब पी रखी है कालू जी, मैं आपको कल बात करूंगी, आप अभी सो जाइए। नहीं, मुझे अभी के अभी इस पेपर पर तुम्हारा अंगूठा चाहिए तो चाहिए। ये कौन से पेपर्स है कालू जी? ये जायदाद के पेपर है, इसमें लिखा है कि तू ये सारी जायदाद मेरे नाम पर करने वाली है। नहीं नहीं, कालू के नाम पर करने वाली है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी कालू जी। एक बेवड़े के हाथों में जायदाद दे दूंगी तो इस जायदाद का सत्यानाश होकर रहेगा। तू मुझे बेवड़ा कह रही है? तुझे तो मैं आज मार ही डाल देता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा एक डंडे से सुंदरी कवि को मारने लग जाता है। कोई बचा मुझे, ये कालू मुझे मार देगा। कालू जी ऐसा मत कीजिए। तेरा अत्याचार बहुत हुआ सुंदरी, अब मर जा। मेरे कुंडली का ग्रहण है तू। जब तक तू जिंदा है मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। कालू कौवा नशे में सुंदरी को सिर के ऊपर मारने लग जाता है और कुछ ही देर में सुंदरी मर जाती है। लगता है मर गई सुंदरी। अगर ये बात जंगल वालों को पता चल गई तो वो मुझे जेल भेज देंगे। हाँ,
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे बगीचे में गाड़ देता हूँ। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि सुंदरी अब मर गई है। कालू कौवा सुंदरी को ले जाकर अपने घर के बगीचे में दफना देता है। सुंदरी का तो मैंने काम तमाम कर दिया। अभी कल से मैं और गोरी इस बड़े से घर में आराम से मजे करेंगे। अगर जंगल के पक्षियों ने सुंदरी के बारे में पूछा तो उन्हें कह दूंगा कि वो किसी और कौवे के साथ 9-2-11 हो गई है। अगली सुबह कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर अपने घर आ जाता है। कालू, ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ गोरी, ये हमारा घर है। तुम्हारी पत्नी कहीं चली गई है कालू, जो तुम मुझे आज अपने घर ले आए हो? वो गोरी, मैंने कल रात को नशे के हालत में सुंदरी को मार डाला और उसे हमारे घर के पिछले वाले बगीचे में गाड़ दिया है। अगर किसी को पता चल गया तो मुझे जेल हो जाएगी। तो आज से मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहूंगी? हाँ हाँ, आज से तुम यही रहोगी। अगर कोई सुंदरी के बारे में तुम्हें पूछेगा तो उन्हें बता दो कि सुंदरी किसी और कौवे के साथ भाग गई है। हाँ हाँ कालू, मैं ऐसा ही कहूँगी। देखते ही देखते रात भी हो जाती है। कौन है, कौन है यहाँ? क्या हुआ कालू, तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? किसी ने मेरा नाम पुकारा गोरी। लगता है आपको वहम हुआ होगा। प्लीज सो जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा गोरी की बात मानकर चुपचाप सो जाता है। कालू कौवे को फिर से आवाज आने लग जाती है। कालू, कालू, मेरे पास आओ, मैं यहाँ बगीचे में हूँ। मैं इस मिट्टी में फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। कालू, कालू, मेरा दम घुट रहा है। कालू, मुझे बाहर निकालो। कालू, आओ कालू, बगीचे में आओ। हाँ हाँ, भूत, यहाँ पर भूत है, वो भी सुंदरी भूत बन चुकी है। गोरी गोरी, उठो गोरी, सुंदरी भूत बन चुकी है। कालू, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। तो तू है गोरी, जिसके लिए कालू ने मुझे मारा है, मैं जानती हूँ। कालू, तो मैं फिर पहले गोरी को मारती हूँ, फिर तेरे पास आऊंगी। कालू, ये किसकी आवाज है? ये सुंदरी की आवाज है। कालू, सुंदरी तो मर चुकी है, लगता है हम दोनों को कोई डरा रहा है। गोरी, सुंदरी भूत बन चुकी है, वो हमें मार डालेगी। कालू, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो बस हमारा वहम होता है। चलो कालू, बगीचे में जाकर देखते हैं कौन हमें वहाँ से आवाज देकर डरा रहा है। बेचारा कालू कौवा, जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, वो गोरी के साथ बगीचे में जाने के लिए मना कर देता है। नहीं, मैं बगीचे में नहीं जाऊंगा, वहाँ पर सुंदरी का भूत है। कालू, तुम कितने डरपोक हो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने डरपोक हो तो मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करती। तुम यहीं पर बैठे सुंदरी का नाम जपते रहो, मैं ही जाकर देखती हूँ कि आखिर बगीचे में कौन है। गोरी कौवी अकेले ही बगीचे की ओर जाती है और वो देखती है। आ कालू, सुंदरी से मुझे बचाओ। आ गोरी कौवी की आवाज सुनकर कालू कौवा भागा भागा चला आता है।
क्या हुआ गोरी? मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ पर सुंदरी का भूत है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कहाँ है भूत कालू? बगीचे में कोई नहीं है, लगता है हमें वहम हुआ होगा। कालू, वो सुंदरी मिट्टी में मिल गई है, वो अब कभी वापस नहीं आने वाली। आ, 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 भूत, कोई बचाओ मुझे। कालू, अब तुम फिर से शुरू हो गए? अरे अंधी कहीं की, पीछे देख पीछे, पीछे देख पीछे। सुंदरी को देखकर गोरी कभी डर के मारे कांपने लग जाती हैं। क्या कहा? सुंदरी मिट्टी में मिल गई है। लो, सुंदरी आ गई बाहर। मुझे खून चाहिए, मैं खून की प्यासी हूँ। वो सुंदरी, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं था कि कालू ने तुम्हें मार दिया है। मैं तो यहाँ अनजानी में आ गई थी, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर ये कालू मुझे किडनैप करके ले आया है। सुंदरी, मुझे जाने दो। सुंदरी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहे तो इस कालू को मार सकती हो। मैं बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ सुंदरी, मुझे जाने दो। कालू, तुम सुंदरी से कहो ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे जाने दे। क्या तू मुझे उल्लू समझती है गोरी? जो मैं तेरे बातों में आ जाऊंगी? तुझे सौतन बनाना था ना? आ, पहले तुझे मारूंगी, फिर कालू को मारूंगी, तीनों मिलकर साथ रहेंगे, तू मेरी सौतन बन जाएगी गोरी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मरना होगा, तुझे मार कर मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कालू, गोरी तो बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी बारी कालू। मेरे पास आओ कालू, डरो मत, मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ पीस पीस करूंगी। तूने मुझे मारा है तो तुझे भी मरना होगा। मर हम तीनों एक साथ रहेंगे। जो अपनी पत्नियों को धोखा देता है, उनका यही हश्र होता है। उस जंगल में रानी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन रानी चिड़िया के घर जालिम चील घुस जाती है। अरे जालिम चील, तू अंदर कैसे आ गई? तूने दरवाजा खुला छोड़ दिया था चिड़िया। मुझे आज बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं तेरे घर चली आई। तुझे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है चिड़िया, जल्दी से मेरे पास आ जा, मैं तुझे खाना चाहती हूँ। अब इंतजार नहीं हो रहा है। नहीं नहीं चील, तू मुझे मत खा, मैं तुझे खाना देती हूँ। बुद्धू कही कि तुझे क्या लगता है, मैं घास फूस खाने वाली चील हूँ, मुझे मांस चाहिए मांस। हा, 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 जल्दी आ,
मैं तुझे दर्द नहीं होने दूंगी, चुपचाप एक ही निवाले में पूरा खा लूंगी तुझे। ऐसा कहकर वो चील रानी चिड़िया पर हमला कर देती है और बेरहमी से उसे मार डालती है। कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। फिर चील उसी घर में चिड़िया को मारकर वहीं खाकर वहां से चली जाती है। मगर रानी चिड़िया उस घर में तड़प तड़प कर मरी होती है, जिसके कारण वो अपने ही घर में भूत बनकर भटकने लग जाती है। मैं चीखती रही, रोती रही, मगर मुझे बचाने कोई नहीं आया। जो कोई इस घर में आएगा उसे मैं मार डालूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब भी कोई उस घर में पक्षी आता तो रानी चिड़िया उन पक्षियों को मार देती थी। उसी जंगल में तीन दोस्त रहा करते थे, कालू कौवा, कबूतर और तोता। कालू कौवा और तोता, उन दोनों की पत्नियां उन दोनों को कहीं पर भी जाने से मना करती थी। कालू जी, काम खत्म करके सीधा घर आ जाना। हर रोज यही बात कहती हो सुंदरी तुम, मुझे ये बात सुन सुन कर बोर हो गया हूँ मैं। कुछ नया डायलॉग तो सुनाओ, मुझे भी मजा आ जाएगा। जंगल के सभी पक्षियाँ कहते हैं जंगल में किसी की बुरी आत्मा भटक रही है। कालू जी, इसीलिए आपसे हर रोज कहती हूँ कि शाम ढलने से पहले ही घर जल्दी से आ जाइए। सुंदरी, तुम्हारी बात मानकर तो घर जल्दी आ जाता हूँ मैं, अब मैं चलता हूँ। सुंदरी कवि मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरे कालू जी की रक्षा करना। दूसरी तरफ तोती भी अपने पति तोते से कहती है, सुनिए तोती जी, आप शाम होने से पहले ही घर लौटकर आ जाइए। आपको तो पता है ना कि हमारे जंगल में उस रानी चिड़िया का साया मंडरा रहा है। हाँ हाँ तोती, मैं जानता हूँ, मैं घर जल्दी लौटकर आ जाऊंगा। तोती भी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी पति की रक्षा करना, उन्हें उस डायन से दूर ही रखना। दूसरी तरफ कबूतर, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, एक दिन कबूतर कालू कौवा और तोते से कहता है, अरे यार, तुम दोनों शाम होने से पहले ही घर भाग जाते हो। चलो ना यार, कहीं जाकर पार्टी वार्टी करके आते हैं। नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ पार्टी वार्टी करने नहीं आ सकता। अगर घर जाने में जरा सी भी देर हो जाती तो मेरी पत्नी फोन करके मेरा दिमाग का अंडा बुर्जी बना डालेगी। अरे कालू, तू अपनी पत्नी से इतना क्यों डरता है? क्योंकि अगर मैं शाम ढलने के बाद घर चला गया तो मेरी बीबी मुझे बुलाकर तांत्रिक के पास ले जाएगी। फिर वो तांत्रिक मुझे एक रस्सी से बांधेगा और मार मार कर पूछेगा कि जा, चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेवजह मुझे मार खानी पड़ती है, इसीलिए मैं शाम को जल्दी घर चला जाता हूँ और सुंदरी के सामने प्रकट हो जाता हूँ। लगता है तेरी पत्नी भी पागल है कालू। सिर्फ कालू की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी भी पागल है, वो भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ करती है। हाँ, तो तेरी पत्नी भी पागल है। अच्छा हुआ कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, वरना मेरी हालत भी कुछ ऐसा ही होता। तुम दोनों अपनी पत्नियों को क्यों नहीं समझाते कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें समझाना नामुमकिन है कबूतर, तुझे हमारे पत्नियों के बारे में अभी तक पता नहीं है,
वो भूत प्रेतों के नाम से ही डर जाती है। मेरी पत्नी सुंदरी कहती है कि बड़े पेड़ के पिछले वाले घर में एक चिड़िया का आत्मा भटकता है। अगर उस घर के आसपास भी भटकेंगे तो वो आत्मा हमें मार डालेगी। क्यों ना हम आज रात को उस घर में पार्टी करके ये साबित कर दे कि उस घर में कोई भूत नहीं रहता। क्या पता हम पार्टी करके घर लौट आ गए तो तुम्हारी दोनों पत्नियों भूत और चुड़ैल का वहम छूट जाएगा। अरे पार्टी तो दूर की बात है, हमारी पत्नियां हमें उस दिशा में भटकने तक नहीं देती। अरे पागल, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी को बताकर पार्टी करो उस घर में? शायद कबूतर ठीक कह रहा है, हम हमारे मोबाइलों को स्विच ऑफ कर देंगे। आज रात को हम पार्टी करके घर वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, आज हम उस घर में पार्टी जरूर करेंगे, चलो चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त चिड़िया के भूतिया घर में चले जाते हैं। देखो यार कितनी अच्छी जगह है, बेवजह इस घर को भूतिया घर का नाम दे दिया है इस जंगल के पक्षियों ने। मैं तो सोचता हूँ किराए का घर छोड़कर यही रहूँ, किराए का पैसा तो बचेगा। अरे जल्दी से पार्टी शुरू करो यार, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भुक्कड़ कालू जरा सब्र रख। कालू तुझे कुछ आवाज सुनाई दिया? कैसी आवाज तोते, मुझे तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। किसी की पायल की आवाज आ रही है। लगता है तुझे तोती भाभी की याद आ रही होगी, इसीलिए तेरे कान बज रहे हैं। तोते तोते मुझे भी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कालू कि यहाँ पर पायल की आवाज आ रही है। लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कबूतर, तुमने हमसे कहा था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। तुम्हारी बात सुनकर हम यहाँ आ गए, देखो अभी क्या हो गया है, हमको डर लगने लगा है। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। डर के मारे कालू तोता और कबूतर वहाँ से भागने लग जाते हैं, मगर उस घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अरे यार ये दरवाजा तो बंद हो गया, अभी हम क्या करें? तभी उन तीनों के सामने चिड़िया की आत्मा आ जाती है। ये दरवाजा अब नहीं खोलेगा, अब तुम तीनों मेरे हाथों से मरने वाले हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चिड़िया बहन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी एक पत्नी भी है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ सिर्फ पार्टी करने आए थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो चिड़िया बहन। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम सिर्फ पार्टी करने आए थे। प्लीज हमें जाने दो चिड़िया बहन, हम तुम्हारी घर की तरफ भड़केंगे भी नहीं और सपने में सोचेंगे भी नहीं और किसी को कुछ कहेंगे भी नहीं। प्लीज हमें जाने दो चिड़िया बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर ठीक है, मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त चिड़िया बहन? मेरे कातिल को मेरे पास मेरे घर में लाना होगा। कौन है आपका कातिल? चील है मेरी कातिल, वो चील पहाड़ों की गुफा की वो रहती है, लेकर आओ उसे। हाँ चील, अगर आप हमें नहीं मारेंगे तो भी, आपकी शर्त मानकर हम चील के अड्डे में चले जाएंगे तो भी चील हमें मार डालेगी। अगर तुम तीनों को यहाँ से जिंदा जाना है
तो तुम्हें उस चील को मेरे पास लाना होगा, वरना मैं तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, हम तीनों जाकर उस चील को लेकर यहाँ आते हैं। तू इन सब से बहुत चालाक है कालू कौवा, तू इसी घर में मेरे साथ रहेगा जब तक तेरे दोस्त उस जालिम चील को यहाँ नहीं लेकर आते जिसने मेरा बहरन से कत्ल कर दिया था। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं चील को लेकर आता हूँ। आप इस कबूतर को यहीं रख लीजिए, जब हम चील को लेकर आएंगे तो इस कबूतर को आजाद कर दीजिए। नहीं, अगर तूने एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे अभी के अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं यहीं आपके पास ही रहूंगा। तोते कबूतर प्लीज चील को लेकर मुझे यहाँ से ले जाओ यार। कहीं भाग मत जाना। तुम दोनों को हमारी दोस्ती की कसम यार। प्लीज यार। कालू हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें बचाएंगे। कालू ऐसा कहकर तोता और कबूतर चील के पास जाने लग जाते हैं। अगर हम उस चील के पास जाएंगे तो वो क्या हमें जिंदा छोड़ेगी? वो हमें देखते ही एक ही झड़के में खा जाएगी। हम मरने से अच्छा है कि कालू को वही छोड़कर हम हमारे घर चले जाएंगे। तोते तू तो बहुत स्वार्थी निकला, तू हमारे दोस्त को मरने के लिए छोड़कर घर जाने की बात कर रहा है। तुझे तेरे घर जाना है तो तू चले जा, मैं चील को लेकर आता हूँ और मैं अपने दोस्त को यहाँ से छुड़ाकर ले जाऊँगा। मुझे माफ कर दो यार, चलो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। हम दोनों मिलकर बचाएंगे हमारे काले दोस्त को, यानी कालू कौवे को। चलो चलो जल्दी चलो। कबूतर और तोता दोनों मिलकर चील की गुफा में चले आते हैं। अरे चील की किस्मत इतनी चमक गई कि शिकारी खुद मेरे पास चलकर आया है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे मांस खाने को मिल रहा है। आज तो मुझे दो दो पक्षियों का मांस मिलेगा, खाकर तो मजा आ जाएगा। सुना है कि चील को कबूतर का स्वाद पसंद नहीं है। तू सही कह रहा है कबूतर, मुझे कबूतर का स्वाद पसंद नहीं है, मगर मैं तुझे खाऊंगी, तुझ पर नमक मिर्च छिड़क कर खा लूंगी। हमें खाने से पहले हमारी एक बात तो सुनो चिल दीदी, यही पास वाले जंगल में एक मोटी तगड़ी चिड़िया रहती है। वो इतनी मोटी है कि उसे उड़ना तक नहीं आता। उसने खुद कहा है हमसे, वो अभी जीना नहीं चाहती। उसे अब जीना नहीं है, उसे अभी मरना है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये बात बता दे, उस घर में एक मोटी चिड़िया रहती है, आप उसे खा सकते हैं। हाँ हाँ, तोता बिल्कुल सही कह रहा है। मोटी तगड़ी चिड़िया, मेरा फेवरेट डिश है चिड़िया। चलो चलो जल्दी से, चिड़िया का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। मुझे जल्दी से उसके पास ले जाओ, मैं पलक झपकते ही उसे खा लूंगी। फिर कबूतर और तोता दोनों मिलकर चील को चिड़िया के घर ले जाते हैं। शायद मैं इस घर में पहले भी आ चुकी हूँ, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप अंदर तो चलिए चील दीदी, भूख मुझे लगी है और जल्दी तुम दोनों को है। ठीक है, चलो चलो अंदर चलते हैं।
आ गई, मेरी दुश्मन आ गई, मेरी कातिल आ गई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं चील, कितने बरसों से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुम सब यहाँ से चले जाओ, इस चील को मैं भयंकर मौत देने वाली हूँ, ये तुम देख नहीं सकोगे, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे चिड़िया, मैं आइंदा किसी पक्षी को भी नहीं मारूंगी, मैं मांस खाना ही छोड़ दूंगी। अरे कालू, इन डायनों को क्यों घूर रहा है, चल भाग, चल अपनी जान बचा, चल भाग। चील चिड़िया के सामने अपनी जान की गुहार लगाती है, मगर चिड़िया उसे माफ नहीं करती, वो भी बहरमी से उस चील को मार देती है। फिर वो तीनों दोस्त चिड़िया की बात सुनकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों ने मुझे बचा लिया, मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों मुझे छोड़कर भाग जाओगे, तुम तो सच्चे दोस्त निकले। अरे उस भगवान का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसे दोस्त मुझे मिले। आज मैंने तुम्हारी पत्नियों को मान लिया है, वो सही कहती है, तुमको ही अक्ल नहीं है जो अपनी पत्नियों की बात नहीं मानते हो, हम जैसे कुंवारे कबूतरों को भूतिया बंगले में ले जाते हो। सच में भूत होते हैं, आत्माएं भी होती है। अरे कबूतर, तूने ही तो कहा था कि पार्टी शार्टी करते हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, तुझे देख लेंगे कबूतर, अभी देर हो गई है, हमारे पत्नियां हमारा राह देखती होगी, अभी हम चलते हैं और कल सुबह आकर तुझे दो दो हाथ करेंगे। अरे कालू कौवे, कल का इंतजार क्यों करते हो, इस कबूतर को यहीं चार पीटो, और ये आइंदा किसी को भी भूतिया घर नहीं ले जाएगा, मारो इस कबूतर को। हाय हाय, छोड़ो यार, मुझे दर्द हो रहा है, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, आइंदा पार्टी की बात जुबान पर नहीं लाऊंगा और तुमसे दोस्ती छोड़ दूंगा, मैं शादी करके अपना घर बसा लूंगा, छोड़ दो मुझे। इस तरह से कालू कौवा और तोता दोनों मिलकर कबूतर की पिटाई कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना ना भूलें। हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए, नए वीडियो बनाते हैं, उसके लिए लाइक तो बनता है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।